नमस्कार, दो टॉपिक पर बात होगी। एक, संदीप लामिछाने को अमेरिका ने वीजा क्यों नहीं दिया। दूसरा, बालेन शाह को देख के माधव नेपाल, प्रचंड और ओली क्यों डरे हुए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिंह दरबार में बालेन शाह को लेके माधव नेपाल, ओली और प्रचंड के बीच में मुलाकात हुई है और ये बालेन शाह के ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। क्या एक्शन लेना चाहते हैं? आपको पता है कि गिरी जो घोटाला प्रकरण में लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला बताया बालेन शाह ने। 10,000 करोड़ दोस्तों, 10,000 करोड़ कितना होता है? 1,000 करोड़ में 10 अरब यानी 1 खरब रुपए होता है। 1 खरब कितना होता है? नेपाल की GDP का 2%। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 करोड़ का घोटाला नहीं होगा। कारण, क्योंकि ये नेपाल की GDP का 2% है और इतना बड़ा घोटाला इस दुनिया में नहीं होता है। GDP का 2%, GDP का 1% घोटाला किसी भी देश में नहीं होता है। और ना कभी आपने सुना होगा कि GDP का 1% 2% घोटाला हुआ। तो मेरा मानना है गिरी प्रकरण जो घोटाला है 10,000 करोड़ का बताया जा रहा है वो नहीं होगा। हाँ, उसमें होगा, 1,000 करोड़ हो सकता है, 500 करोड़ हो सकता है, लेकिन 10,000 करोड़ ये सरासर झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि 10,000 करोड़ का घोटाला होता तो अब तक नेपाल की CBI उसमें लग चुकी होती, क्योंकि वो नेपाल की GDP का 2% है और नेपाल को चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि इतना बड़ा घोटाला नेपाल में हो जाए। तो ये बालेन शाह का जो आरोप है ये एक प्रकार से गलत है। भले ही आपको सही लगता है लेकिन आपको गहराई पता नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको लगता है कि बालेन शाह का आरोप सही है। आरोप सही हो सकता है, 500 करोड़ 1000 करोड़ तक ही होगा। अब बालेन शाह से ये लोग घबराए हुए क्योंकि बालेन शाह इनकी पोल खोल रहा है। क्योंकि चाहे 1000 करोड़ का हुआ हो, 500 करोड़ का हुआ हो, लेकिन घोटाला तो हुआ ही है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि CK रावत ने कह दिया था कि बालेन शाह के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। अभी तक जिन नेताओं के बीच में मीटिंग हुई, यानी माधव नेपाल, प्रचंड, ओली, उन्होंने खुलकर नहीं कहा है कि हम बालेन शाह के ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन ये कन्फर्म है कि बालेन शाह के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं आपके शीर्ष नेता, जो बड़े नेता हैं, और उनमें शेर बहादुर देवबा भी शामिल है। अब ये कब एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये अभी नहीं बताया जा सकता। अब सोचने वाली बात है, प्रधानमंत्री के सामने एक मेयर कुछ कोई मायने नहीं रखता। आपको पता है कि भारत में मेयर की ताकत नहीं होती है कि मुख्यमंत्री से मिल पाए। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, यानी मेयर प्रधानमंत्री का कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पर एक मेयर से घबरा रखे नेपाल के बड़े नेता, छोटे नेता नहीं दोस्तों, ये सब बड़े नेता हैं, शेर बहादुर देवबा, ओली, प्रचंड, माधव नेपाल, ये बहुत बड़े नेता हैं नेपाल के। ये एक मेयर से घबरा रखे, यानी मेयर कहीं ना कहीं इनकी पोल खोल रहा है। और घबरा क्यों रखे? क्योंकि बालेन शाह के पक्ष में जनता खड़ी है। कारण क्या है? बालेन शाह को देख के नेता लोग सच में घबरा रहे। क्यों घबरा रहे? क्योंकि जनता का सपोर्ट है बालेन शाह के पास में, इसलिए घबरा रखे हैं। अब देखते हैं कि कब तक बालेन शाह के ऊपर एक्शन लेता है नेपाली संविधान, क्योंकि वैसे तो ये लोग एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन लेंगे नेपाल के संविधान के अनुसार ही। अब आगे, अब नेपाल में क्या हुआ कि संदीप लामिछाने को वीजा नहीं दिया गया T20 वर्ल्ड कप का, अमेरिका ने नहीं दिया। और इसमें कुछ नेपाल की एजेंसियां, यानी समाचार एजेंसियां कह रही है कि अमेरिका नेपाल से घबरा गया या कुछ भी, या अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, उसने संदीप लामिछाने को वीजा नहीं दिया जिस समय नेपाली क्रिकेट टीम को सख्त आवश्यकता है संदीप लामिछाने की। क्योंकि संदीप लामिछाने एक अनुभवी खिलाड़ी है और बड़े से बड़े बैट्समैन के सामने बॉलिंग कर सकता है, एक अनुभवी प्लेयर है, लेकिन उसे वीजा नहीं दिया अमेरिका ने। इसका क्या कारण होगा? अब नेपाली मीडिया में चाहे कुछ भी बोला जाए, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि संदीप लामिछाने के ऊपर जब महिला उत्पीड़न का आरोप लगा था तो उस समय संदीप लामिछाने, जब नेपाल पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, तो उस समय संदीप लामिछाने वेस्टइंडीज और अमेरिका के बीच में जो सीरीज चल रही थी उसको खेलने गए थे। तो संदीप लामिछाने 1-1.5 महीने गायब हो गए थे बीच में। तो गायब कहाँ हुए? वो रहे अमेरिका में उस समय अनलीगल तरीके से। और जब वो अमेरिका में अनलीगल तरीके से रहे
तो अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उन्होंने उनको अनलीगल तरीके से रहने में पकड़ा, इसलिए अब उनको वीजा नहीं मिल रहा है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, इसमें नेपाल के कुछ विश्लेषक भी यही कह रहे हैं कि संदीप लामिछे ने अनलीगल तरीके से 1-1.5 महीने अमेरिका में छुपा रहा और वहां की एजेंसियों ने जब पकड़ा तो लास्ट में उनके दबाव में संदीप लामिछे ने नेपाल वापस आए। इसी कारण अनलीगल तरीके से जो अमेरिका में रहेगा अमेरिका दोबारा उसको वीजा नहीं देता है। दूसरा एक कारण ये भी है कि अमेरिका का जो जूरी सिस्टम है यानी न्यायिक व्यवस्था जो है अमेरिका की, भारत नेपाल पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था में भी करप्ट लोग बैठ रखे हैं, यहाँ तक कि भारत के तो सुप्रीम कोर्टों के जज तक बिके हुए होते हैं। नेपाल के वही हाल है और पाकिस्तान के हाल तो और खराब है। पाकिस्तान में जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जज होते वो भी वही फैसला देंगे जो पाकिस्तानी सेना चाहेगी। यानी भारत नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश इन देशों की जो न्यायिक व्यवस्था है ये बहुत खराब है। तो संदीप लामिछाने को लगभग 90% क्लीन चिट मिल चुकी है कि संदीप लामिछाने आरोपी नहीं है यानी गुनहगार नहीं है। ये किसने दिया? नेपाली अदालत ने तो दे दिया, लेकिन अमेरिका की नज़र में नेपाली अदालत द्वारा किया गया कोई फैसला ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि नेपाल हो चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है वो करप्ट है यानी ज़्यादा अच्छी नहीं है, गुनहगार को भी छोड़ देते हैं। और ये सच भी है, भारत में हो चाहे नेपाल में हो अधिकांश देखा जाता है गुनहगार लोग छूट जाते हैं। तो अमेरिका की नज़र में संदीप लामिछाने आज भी दोषी है, आरोपी है, गुनहगार है। भले ही नेपाली अदालत ने क्लीन चिट दे दी है लेकिन अमेरिका की नज़र में क्लीन चिट नहीं मिली संदीप लामिछाने को। तो ये भी एक कारण है कि संदीप लामिछाने को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ऐसे नेपाल के बहुत सारे विश्लेषक कह रहे। देखिए दिमाग में रख लीजिए, हमारा भारत का हो भारत का थोड़ा अच्छा है नेपाल से, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा खराब सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा खराब है, न्याय ढंग से नहीं हो पाता है। नेपाल में भी न्याय ढंग से नहीं हो पाता है, भारत में भी ढंग से नहीं हो पाता है। चाइना का ठीक है, चाइना में तो निर्दोष लोगों को सज़ा मिल जाती है और जब निर्दोष को भी सज़ा मिल जाती है तो आसानी से गुनाह नहीं कर पाते चाइना के लोग। लेकिन भारत हुआ नेपाल हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश इन देशों में क्या है, इन देशों में गुनहगार लोग ज़्यादा छूट जाते हैं और जब वो छूटते हैं तभी वो गुनाह करते हैं। सही न्यायिक व्यवस्था के लिए कभी कभी बेगुनाह लोगों को भी सजा देनी पड़ती है। जैसे माओ सुतुंग ने क्या कहा एक बार कि एक लड़की के साथ में कुछ गलत हो गया, तो माओ सुतुंग ने कहा कि 1 किलोमीटर एरिए में जितने भी लोग रहते हैं सबको गोली मार दो। क्यों कहा होगा? क्योंकि जब लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो लड़की ने आवाज़ हल्ला किया होगा, तो जिन लोगों ने सुना वो बचाने क्यों नहीं गए? तो माओ से तुमने कहा कि सबको गोली मार दो, ऐसे हुआ तो क्या हुआ, गुनहगार अपने आप सामने आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, न्याय बचाने के लिए बेगुनाह लोगों को भी सजा देनी पड़ती है, यानी सिस्टम में लाने के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। धन्यवाद।